Next question, question says a particle having a mass of 10 to the power minus 2 kg carries a charge of 5 into 10 to the power minus 8 coulomb. Particle is given an initial horizontal uh, velocity of 10 to the power uh, 5 meter per second in the presence of electric field and magnetic uh, electric field E and magnetic field B. So, अब ये हमें सिचुएशन है कि टू कीप द पार्टिकल मूविंग इन द हॉरिजोंटल डायरेक्शन इट इज़ नेसेसरी दैट चार ऑप्शन दिए हुए हमें बताना है इनमें से कौन कौन से सही हैं uh, तो पहला स्टेटमेंट है बी शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड ई शुड बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी दूसरा ऑप्शन है बी बोथ बी एंड ई शुड बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेलासिटी तीसरा ऑप्शन है बोथ बी एंड ई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्वेश्चन नंबर फोर बी शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड ई शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमारा सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट इज पॉसिबल आपके ऑप्शन है वन एंड थ्री या फिर थ्री एंड फोर या फिर टू एंड थ्री या फिर टू एंड फोर ना सवाल देखने सुनने में बहुत लंबा चौड़ा है करने में नहीं है बहुत आसान सा सवाल है अगर आपको लॉरेंस फोर्स के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा सिचुएशन कुछ इस प्रकार है कि ये आपका एक रीज़न है इस रीजन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और आपके मैग्नेटिक फील्ड भी है यहाँ पे आपने एक पार्टिकल को एक आपका चार्ज है जिसकी हमें वैल्यू दे रखी है सो so, एक मास एम और चार्ज क्यू को यहाँ पे आपने एक वी नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है अब आप चाहते हैं कि यह आपका पार्टिकल इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली ही चलता रहे अगेन यहाँ पे हमें एक चीज़ नोटिस करने की ज़रूरत है यहाँ पे ये नहीं कहा है विद द सेम वेलोसिटी। वेलोसिटी कैन इंक्रीज और डिक्रीज़ तो वेलोसिटी अपने को सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है तो इस केस में हमें लॉरेंस फोर्स के ऊपर सवाल है इस केस में हमें लॉरेंस फोर्स ज़ीरो नहीं करना है लॉरेंस फोर्स की वैल्यू हो सकती है यहाँ पर आपका नेट फोर्स ज़ीरो हो ऐसा ज़रूरी नहीं है अलग सिचुएशन ये अपने को पता है कि नेट फोर्स जो है लॉरेंस फोर्स उसको आप लिखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि क्यू ही प्लस क्यू वी क्रॉस बी यह आपका आ, नेट फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगी हुई है वो आ, उस केस में हम ऐसे फोर्स लेते हैं ना एक काम करते हैं चारों ऑप्शन यहाँ पे एक एक करके कंसिडर कर लेते हैं वन टू थ्री और फोर और चारों में से जो जो पॉसिबल है उन पे हम मार्क्स लगा लेंगे उसके बेसिस पे अपना आंसर आ जाएगा पहला स्टेटमेंट कहता है बी शुड बी परपेंडिकुलर टू तो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड ई शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नाउ अगर अपनी बी की वैल्यू जो है वो परपेंडिकुलर आ गई वेलॉसिटी के तो यहाँ जो साइन थीटा आएगा उसकी वैल्यू वन हो जाएगी और यहाँ पे आपकी ई को कहा है ई शुड बी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ बेलोसिटी तो पहले केस में हम ये कह रहे हैं कि ये आपकी ई की डायरेक्शन हो और ये आपके बी की डायरेक्शन हो ना अगर ये केस होएगा तो ये आपको आ, पार्टिकल को इस तरह रोटेट कर देगा तो ये पहले वाला केस पॉसिबल नहीं है उस केस में आपकी स्ट्रेटला हॉरिजॉन्टल लाइन में मोशन नहीं होएगा। दूसरा केस uh, केस कहता है बोथ बी एंड ई शुड बी अलोंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नाउ अगर आपका बी इस डायरेक्शन में है Uh, इस डायरेक्शन में और ई e भी इस डायरेक्शन में है तो ये वाला फोर्स उस केस में आपका जीरो हो जाएगा बिकॉज वी और बी के बीच में एंगल आपका जीरो हो जाएगा और साइन थीटा जीरो हो जाएगा उसके ऊपर नेट फोर्स सिर्फ क्यों ही रहेगा उसकी वजह से एक्सलेटेड मोशन होएगा चार्ज पार्टिकल यहां पे वेलोसिटी जो कि ग्रेटर देन ये वी नॉट आई उससे बाहर आएगा लेकिन मोशन आपका हॉरिजोंटल होएगा सो ये वाला केस पॉसिबल है इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर टू इज पॉसिबल थर्ड केस कहता है बोथ ई बी एंड ई आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नाउ अगर uh, v और b बीट uh, right, इस केस में हम ये कहते हैं कि अगर आपका uh, ये एक बहुत ही स्पेशल केस है इसको हम यूज़ करते हैं क्लास में इसको हम पढ़ते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर के नाम से अगर हम ये कहें कि मान लीजिए आपका एफ नेट ये वाला है एफ नेट इक्वल टू ज़ीरो विच एम्प्लाइज q ब्रैकेट uh, में हम लिख सकते हैं E v क्रॉस b इक्वल टू ज़ीरो इसका मतलब ये हो गया कि ई विल इक्वल टू वी क्रॉस बी माइनस uh, साइन के साथ और uh, इसका मतलब ये कि आपका ई e, वी और बी दोनों के परपेंडिकुलर है उस केस में अगर आप ये दोनों भी एंगल आपके परपेंडिकुलर हो गए तो वेलोसिटी की बहुत ही स्पेशल वैल्यू आती है जिसको हम लिखते हैं ई डिवाइडेड बाय बी तो अगर आपकी ये वेलोसिटी है ई बाय बी के रेशो में तो उस केस में आपका पार्टिकल सीधा चलते हुए आता है तो ये केस पॉसिबल है हमें ये नहीं कहा गया कि ये केस एग्जैक्ट ये वैल्यू है बस सवाल ये है कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या ये शॉर ये केस पॉसिबल है ऑप्शन नंबर फोर कहता है कि बी शुड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड ई शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अगर आपका बी जो है वो अलोंग द वेलोसिटी हो गया तो ये वाली वैल्यू फिर आपकी ज़ीरो हो जाएगी और ई e अगर आपका इसके परपेंडिकुलर हुआ तो ये पार्टिकल आपका ई e की क्योंकि एक्सेलेशन उसका उस डायरेक्शन में हो जाएगा तो इसका मोशन चेंज हो जाएगा सो तो ये हॉरिजोंटल नहीं जाएगा तो उसके इसमें ये वाला ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है सो बेज ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी 2 and 3 uh, would be the right answer.